नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की पावन कथा। यह कथा है धर्मराज जी और पांच पापों की कहानी। यह कहानी एक छोटी सी प्यारी सी और मासूम लड़की की है, जिसके पिता एक ब्राह्मण पंडित हैं। एक दिन उस लड़की ने देखा कि उसके गांव के सभी लोग बहुत खुशी से कहीं जा रहे हैं, तो उसे पता चला कि वह सब लोग एक ऋषि मुनि आए हुए हैं, वहां उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उस लड़की ने तो कभी किसी ऋषि मुनि के दर्शन किए नहीं थे। उन लोगों को देखकर वह उत्सुक हो गई। उसने सोचा कि चलो देखते हैं कि यह ऋषि मुनि कौन है और ऋषि मुनि होते कैसे हैं। यह सोचकर वह भी उन सभी लोगों के साथ जाने लगी। जब सब वहां पहुंचे तो उस लड़की ने देखा कि वह ऋषि मुनि पांच पापों के बारे में बता रहे थे। इस लड़की को पता नहीं था कि पाप क्या होता है। तब ऋषि मुनि ने बताया कि पांच बुरी आदतें होती हैं और पांच पाप होते हैं, जिन पापों को हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पांच पापों को करते हैं तो बहुत ही बुरे कर्म हमारे जीवन में आ जाते हैं और धर्मराज जी हमें नर्क में डाल देते हैं और घोर सजाएं देते हैं। ऋषि मुनि फिर उन पापों के नाम बताने लगे। झूठ, चोरी, हिंसा, परिग्रह और खुशी। हिंसा मतलब किसी को मारना या उसे दुख देना। झूठ मतलब सच नहीं बोलना, किसी की आत्मा को दुखी करना। चोरी मतलब चुपके से बिना पूछे किसी की चीज उठा लेना या चोर लेना। खुशी का मतलब किसी के लिए मन में खराब अनुभव रखना या उसकी बुराई करना या उसकी चुगली करना। और परिग्रह का मतलब लोभी होकर बहुत सी चीजें इकट्ठी करते रहना और उनका उपयोग भी कभी नहीं करना और अधिक धन की लालसा रखना, लालच रखना। गुरु जी ने और बताया कि इन पांच खराब आदतों को त्याग करने का निर्णय ले लेना चाहिए और वादा करना चाहिए कि ये सब पांच खराब आदतें जीवन में कभी नहीं करेंगे। गुरुजी की सारी बात सुनकर उस लड़की के मन में लगा कि यह गुरुजी बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। इसीलिए वह लड़की ने सोचा कि मुझे भी अच्छा इंसान बनना है, इसीलिए आज से मैं यह वादा करती हूँ कि इन पांच पापों में से किसी भी पाप को मैं जीवन भर नहीं करूँगी, यह दृढ़ निश्चय करती हूँ। कुछ समय बाद वह बहुत उत्सुकता के साथ अपने घर पहुंची और उसने घर आकर अपने पिताजी को बताया कि मैंने आज इन पांच नियमों को ले लिया है, इन पांच पापों को मैं कभी नहीं करूंगी, इन पांच पापों का दृढ़ निश्चय और नियम ले लिया है। नियम की बात सुनकर उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुमने ऐसे नियम क्यों लिए, तुम तो बहुत छोटी हो। और बेटी बोली कि पिताजी, मैंने वादा किया है कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी और अच्छी लड़की बनने के लिए इन पांच पापों को ना करना ही सबसे अच्छा काम होगा, इसीलिए मैंने यह नियम ले लिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यह नियम तोड़ दूं, तो आप खुद मेरे साथ महाराज के पास चलिए और नियम तोड़वा दीजिए। वो महाराज जी आए हुए हैं, मैंने उन्हीं के पास यह नियम लिए थे और अब उन्हीं के पास यह नियम तोड़ूंगी। फिर उसके पिताजी उसे लेकर के चल दिए उस महात्मा के पास। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक आदमी को पीट रहे हैं और इतनी दरिद्रता से पीट रहे हैं, इतनी बुरी हालत में पीट रहे हैं कि वह आदमी मरने ही वाला है। तो बिटिया ने यह सब देखकर उसके पिताजी से पूछा, पिताजी यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस आदमी के साथ ऐसी सजा इसे क्यों दी जा रही है। उसके पिताजी ने कहा, उसने अपने मित्र को मार दिया है, इसीलिए ये लोग उसे मार रहे हैं। उसने उसके मित्र के साथ हिंसा की है, इसीलिए उसे इस तरीके का दंड दिया जा रहा है। तब उनकी बेटी ने कहा, देखिए पिताजी, किसी को मारने से, किसी का बुरा करने से कितनी सजा मिलती है, कितनी पीड़ा होती है और यह एक हिंसा कहलाती है। उसके पिताजी ने कहा, हाँ यह हिंसा कहलाती है। तो उसने कहा कि पिताजी, हिंसा का तो मैंने नियम ले लिया है। तो उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, यह नियम तुम रखो, बाकी के नियम हम हटवा देंगे, बाकी सारे नियम को तोड़ना पड़ेगा, तुम हिंसा ना करने का नियम ले सकती हो। थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक इंसान की जीभ को बहुत सारे लोग काट रहे हैं। जब बिटिया ने यह सब देखा तो पिताजी से पूछा, पिताजी यह इसकी जीभ को क्यों काट रहे हैं इतने सारे लोग। उसके पिताजी ने कहा, उसने झूठ बोला था, इसीलिए उसके सारे लोग उसकी जीभ काट रहे हैं। तब बिटिया ने बोला,
देखिए पिताजी, सच बोलना कितनी अच्छी बात होती है और झूठ बोलने से क्या होता है और कितनी बड़ी सजा झेलनी पड़ती है। अब मैं यह नियम भी रखूंगी। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम कभी झूठ मत बोलना, यह नियम भी तुम रख सकती हो। थोड़ा आगे बढ़े तो उन लोगों ने देखा कि एक आदमी को सिपाही जेल में डाल रहे थे और उसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। तब बेटी ने पूछा, पिताजी इसे ऐसा क्यों बांध रखा है और इसने क्या किया है। तब पिताजी ने कहा, बेटा इसने चोरी की है और इसे इसकी सजा मिल रही है। उनकी बेटी बोली, देखा पिताजी, चोरी करने से कितनी बड़ी सजा मिलती है और यहाँ तो सजा मिल ही रही है, आगे भी हमें इसके लिए नर्क में जाना पड़ता है और नर्क तो बहुत ही बुरी जगह होती है। स्वयं धर्मराज जी हमें नर्क में भेजते हैं, इसीलिए मैंने चोरी न करने का भी नियम लिया है पिताजी। तो पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा किया यह नियम तुमने लिया, यह नियम भी हम रखेंगे, बाकी के नियमों को हम तोड़ लेंगे। ऐसा कहकर वे आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन लोगों ने देखा कि एक इंसान को लकड़ी से बांध कर रखा है और उसके हाथ पैरों को भी बांध दिया गया है और कुछ लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। फिर बेटी ने पूछा कि पिताजी इसे ऐसा क्यों बांध रखा है। उसके पिताजी ने कहा कि इसने किसी के प्रति गलत भावना रखी है, किसी के लिए गलत विचार रखना भी इसलिए इसे इतना बड़ा दुख मिल रहा है। यह कुशील है, मतलब कि इसने दूसरों के प्रति घृणा रखी है और खुद के प्रति अच्छा भाव रखा है, इसीलिए इसे इसकी सजा मिल रही है। तो बेटी ने कहा, देखा पिताजी, मैंने कुशील होने का भी निर्णय लिया है और मैंने यह नियम लिया है। तो पिताजी बहुत खुश हो गए और कहा कि यह नियम भी तुम रख सकती हो। फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर देखा कि एक बहुत बीमार आदमी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तब बेटिया ने पूछा, पिताजी इसने क्या किया है, इसे क्या हुआ है। तब पिताजी ने कहा, इसने बहुत सा पैसा धन दौलत इकट्ठा कर लिया है, यह लोभी है, इतना सारा धन दौलत इकट्ठा कर लिया है कि यह इसे संभाल नहीं पा रहा है, उसी के डर के मारे यह सोचता है कि इसे कोई चोरी कर लेगा, उसी का बोझ अपने सिर पे लिए घूम रहा है और इतना बीमार हो चुका है। इसी को लोभी कहते हैं और वह जीवन भर दुख उठाता रहता है। बेटी ने कहा कि पिताजी मैंने भी यह नियम लिया है कि मैं कभी लोभ नहीं करूंगी, अपने जीवन में कभी लोभ नहीं करना है, तभी मैं अच्छी बन पाऊंगी। जो मेरी चीजें हैं उन्हीं को मैं इस्तेमाल करूंगी, जितना है उसी में मैं खुश रहूंगी। तो क्या पिताजी मैंने गलत किया है। पिताजी बहुत खुश हो गए और कहा, तुम यह भी नियम रख सकती हो, यह सब नियम रख कर तुम बहुत ही धन्य हो जाओगी, तुम्हारा जीवन धन्य रहेगा। इसी प्रकार उसके पांचों पापों के नियम पूरे हो गए। उसने कहा, पिताजी पांचों पापों के नियम मैंने आपको बता दिए हैं, आपने कहा सारे नियम रख सकती हो, अब घर चलें। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा अब तो घर चलना ही पड़ेगा, तुम बहुत महान हो जो इतनी कम उम्र में भी नियम करती हो। तो दोस्तों, आप लोग को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धर्मराज जी की और भी कहानियां हैं जो मैंने डाल रखी हैं, जरूर सुनिएगा। जय हो धर्मराज जी की।